सबसे पहली तारीफ किसी की है तो वो पवनदीप है और अरुणिता जी की है। यस डेफिनेटली दोस्तों, एक ऐसा कपल, एक ऐसी जोड़ी, अगर तू अच्छा गा सकता है पवनदीप तो मैं भी अच्छी गा सकती हूँ, ऐसा वो बोलती होगी, और अगर तुम अच्छा गा सकती हो तो मैं भी अच्छा गा सकता हूँ, ऐसा वो बोलता होगा। डेफिनेटली इट्स अ वेरी नाइस कपल यार, मुझे काफ़ी बेहतर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही प्रेज करता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है यार। काफ़ी पहले बात करते हैं सॉन्ग ही, सॉन्ग काफ़ी बेहतरीन था। 1-2 महीना पहले इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था, मैं बहुत गुस्सा था म्यूज़िक पाए यूट्यूब चैनल पे, इन्होंने अनाउंसमेंट तो ये बहुत पहले ही कर देते हैं लेकिन ये कभी भी जल्दी टाइम पे लाते नहीं है, टीज़र हो या सॉन्ग हो। मुझे याद है मैंने जब वो 1-2 महीना पहले वीडियो बनाया था, आज भी याद है, मैंने बोला था ये 1-2 महीना आराम से लगाएंगे और देखो आज हो गया। बात करते इस सॉन्ग की, काफ़ी ब्यूटीफुल गाया है, बहुत ही बेहतरीन लिरिक्स है और मज़ा आ गया। वीडियो काफ़ी बेहतर है यार, मज़ा आ गया एकदम, मतलब कहते हैं ना कि दिल छू लिया। और पवनदीप का जो बात है ना वो अलग ही है यार, एकदम कोई भी काम करेगा, कोई भी सॉन्ग गाएगा ना, पूरा एकदम जान उसमें डाल देगा। और देखो बहुत इंडियन आइडल होके गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही है, या फिर चाहे आप इंडियन आइडल हो, सारे गामा पा हो, जितने भी ये शोज़ है उस अकॉर्डिंग, लेकिन वो कुछ ही लोग हैं जो ऐसे नाम कमाते हैं ना कि जो अलग ही उनका नाम हो जाता है, तो वो पवनदीप भी है और अरुणिता भी है, काफ़ी हद तक मैं कहूँगा। और मैंने जो सुने नेपाली सॉन्ग्स भी बहुत से गाए हैं उन्होंने, बहुत मज़ा आता है यार इन दोनों को देखते हुए भी, और जिस तरीके से उसका स्माइली फेस है कि एक अलग ही अंदाज़ है यार। इवन बीच में उसने हनुमान चालीसा भी ये किया था, मतलब गाया था, वो अलग अलग टाइप का जो करता है ना वो मुझे बहुत मज़ा आता है। इट्स नॉट ओनली रोमांटिक सॉन्ग्स, वो ट्राई करता है कि मैं अलग टाइप के सॉन्ग्स भी गाऊँ, मुझे वही लिरिक्स नहीं चाहिए, उसी टाइप के नहीं चाहिए, जैसे वो बकचोदी जो चलती है ना हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ में, एक ही सॉन्ग को इधर उधर घुमा देता है, अलग अलग सिंगर्स को लाता है और पवनदीप पे जलता है, बाकी कुछ करता नहीं है वो। आप देख लो जब भी हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ में ये बंदा गाता है पवनदीप, कितना प्रेशर में गाता है, और जब भी अलग गाता है तब कितना बेहतरीन गाता है। वो प्रेशर में गाता है बोल रहा हूँ मैं, बेहतरीन नहीं गाता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस पर ऐसा लगता है कि भाई उस रेशमिया ने कोई प्रेशर डाल दिया है, डर जाता है बंदा, ऐसा लगता है कभी कभी, इतना प्रेशराइज़ किया है उसको जैसे कि। और बाकी जब भी सॉन्ग होते देखो कितना एकदम खुल के रहता है, तो वो राज नहीं पता मुझे कि क्या है, आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइए। और काफ़ी ब्यूटीफुल लिरिक्स थे और मज़ा आ गया यार, और क्या बोलूँ मैं। आपने अगर ये सॉन्ग सुना है देखा है तो ज़रूर बताइए कैसा था, पर शेयर ज़रूर करना ये वीडियो प्लीज़ यार, पवनदीप और अरुणिता फैंस में, एटलीस्ट उनके लिए करना, हमें प्रमोट करना है, एटलीस्ट कोई रिएक्शन देता है सच्चे दिल से, अगर मैं उनका फ़ैन हूँ तो प्लीज़ यार आप शेयर कीजिए। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।